नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा देश में देसी नस्ल के पशुओं की पहचान करना जरूरी। रायपुर में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का शुभारंभ आज, 19 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। ओडिशा में 21 फरवरी को आयोजित होगा दूसरा उत्कल कृषि मेला। PMFAI प्रदर्शनी में एग्रो कैम कंपनियों को वार्षिक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने जारी की 23 नई फसलों की बेहतरीन किस्म। भोपाल एम्स की बड़ी घोषणा, मरीजों को मिलेगा बाजरा युक्त पौष्टिक भोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किसानों को सौगात। हरियाणा के CM ने 76 लाख उपभोक्ताओं को दी राहत, नहीं बढ़ेगी बिजली दरें। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, निफ्टी 18,000 के नीचे। राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, बेटियों को कृषि की पढ़ाई के लिए सरकार दे रही 40,000 रुपए। किसानों को अब व्हाट्सएप पर मिलेगी लोन। बांका में फ्री में मिल रहा मूंग का बीज, किसानों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन। किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों को आधी कीमत पर मिलेगा DAP खाद। लागत से नीचे बिक रहा आलू, किसान परेशान। दिल्ली NCR में मौसम ने ली फिर करवट, कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में बड़ी संख्या में देशी नस्ल के ऐसे पशु हैं जिनके सभी क्षेत्र में पहचान करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR इस दिशा में काम कर रहा है और देश में अच्छे पशुओं की नस्लों की पहचान के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। देश के लगभग आधे पशुधन की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। हमें जल्द से जल्द ऐसी अनूठी नस्लों की पहचान करनी होगी ताकि इन अवर्गीकृत नस्लों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश में पशुधन की बड़ी संख्या में देसी नस्लें हैं जिन्हें सभी क्षेत्र में पहचानने की जरूरत है। इससे कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। इससे भारत के जाने माने शेफ मिलेट के नए नए व्यंजन बनाना सिखाएंगे और इसे मेहमानों को परोसेंगे। और ये कार्निवल रायपुर में आज से 19 फरवरी को आयोजित की जा रही है। कार्निवल का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और ICMR हैदराबाद के संयुक्त उद्यम में स्थानीय सुभाष स्टेडियम में किया जा रहा है। इस अनूठे कार्निवल में विशेष रूप से मिलेट फूड कोर्ट होगा जहां आम नागरिक मिलेट के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। मिलेट कार्निवल का उद्देश्य मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करने तथा इससे पोषक मूल्य में जागरूक लाना है। इस आयोजन में प्रतिभागियों और आगंतुकों के साथ मिलेट की विशेषताओं को साझा करने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी। ओडिशा में सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट 21 फरवरी और 22 फरवरी 2023 को कृषि जागरण दूसरा उत्कल कृषि मेला 2023 का आयोजन करने जा रहा है। ये कार्यक्रम सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पारालेखी मुंडी गजपति ओडिशा में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रतिभागियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। संभावित उपभोक्ता और किसानों के लिए सेवाएं, योजनाएं और नवीनतम तकनीकें शामिल होगी। जानकारी के अनुसार इस मेले में किसानों, कृषि उत्पादकों, कृषि उद्यमियों, वितरकों, डीलरों, खेत मालिकों, कृषि उत्पाद वितरकों और आपूर्तिकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं जैसे कई लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दुबई UAE में भारत का सबसे बड़ा कृषि आदान व्यापार शो 17वां अंतर्राष्ट्रीय फसल विज्ञान सम्मेलन और प्रदर्शनी ICSCE का आयोजन किया जा रहा है जो कि कल से शुरू हुआ है। और वही इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन एक सबसे बड़ा और एकमात्र कृषि इनपुट है। इसमें फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, कीटनाशक, एग्रोकेमिकल्स और API उर्वरक, एग्रोकेमिकल पैकेजिंग, बीज आदि में विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये इवेंट पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि PMFAI द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो वही इस आयोजन में कृषि जागरण भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। इस कार्यक्रम में एक साथ PMFAI, FML, वार्षिक
एग्रोकैम पुरस्कार समारोह हुआ, जिसमें PMFAI प्रदर्शनी में एग्रोकैम कंपनियों को वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही PMFAI ने इवेंट में रशियन यूनियन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स के सदस्यों के साथ एक MOU भी साइन किया है। PMFAI के अध्यक्ष प्रदीप दवे ने कहा है, रूस भारत संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे, मुझे यकीन है। किसानों को खेतीबाड़ी में अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के साथ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी लगातार नई नई किस्मों को विकसित करने में लगे रहते हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय भी किसानों की मदद के लिए आगे आई है। दरअसल तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने 15 फरवरी 2023 बुधवार के दिन 23 नई फसल की किस्मों को जारी किया है, जो किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई नई किस्म का नाम CO57 दिया गया है। ये एक नई कुवनी किस्म है जो उपज को कई गुना बढ़ा देगी। इस किस्म को लेकर तमिलनाडु यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर गीता लक्ष्मी ने कहा है कि यह किस्म किसान भाइयों के लिए सभी मौसमों में अच्छा लाभ देगी। भोपाल एम्स ने बड़ी घोषणा की है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिलने वाले आहार में बाजरे को शामिल किया जाएगा। अस्पताल का यह कदम मरीजों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मदद करेगा। बाजरा पोषक तत्व से भरपूर अनाज है, जो प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहार फाइबर में उच्च होता है। इसके सेवन से हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे का जोखिम कम होता है। इसके अलावा बाजरा ग्लूटेन फ्री भी होता है, जो मरीजों के सेवन के लिए लाभदायक माना जाता है। बता दें कि एम्स भोपाल अपने मरीजों को आहार के रूप में बाजरा प्रदान करने वाला पहला अस्पताल है। संस्थान ने बाजरा की खरीद के लिए स्थानीय किसानों के साथ सहयोग किया है और एम्स भोपाल के आहार विभाग ने भी बाजरे के उपयोग से विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को तैयार करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का प्रस्ताव रखा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज कोदो, कुटकी, रागी की खरीद के लिए तारीख आगे बढ़ा दी गई है। यानी जो किसान अब तक अपनी फसल नहीं बेच पाए थे, उनके लिए एक अच्छा मौका है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मिलेट्स यानी कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की तारीख, जो पहले 15 फरवरी तक तय की गई थी, उसे अब बढ़ाकर 25 फरवरी तक कर दिया गया है। मतलब किसानों को अपने फसल बेचने के लिए 10 दिन का और समय मिल गया है। हरियाणा के 76 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार ने बिजली की दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है। पहले से चली आ रही दरें ही इस साल भी लागू रहेंगी। हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग ने टैरिफ जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, कृषि उपभोक्ताओं को भी पहले की तरह सब्सिडी जारी रहेगी। किसानों के लिए बिजली की दरें 10 पैसे प्रति यूनिट ही रहेगी। बिजली की दरों में कटौती और बढ़ोतरी करने के अधिकार के पास ही है। सरकार का HRC पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, लेकिन बिजली कंपनियों की ओर से रेट बढ़ाने को लेकर आयोग के सामने दावा प्रस्तुत किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार ने इस तरह का कोई दावा ही नहीं रखा। बिजली के दरों में बढ़ोतरी नहीं करने को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार इस मामले पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होने देना चाहती है। दरअसल नई दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में भी 300 यूनिट तक बिजली माफ कर चुकी है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 340.89 अंकों की गिरावट के साथ 60,978.62 अंकों के लेवल पर कारोबार करता दिख रहा है। वही दूसरी ओर निफ्टी 92.20 अंक फिसलकर 17,000 से भी अधिक अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वैश्विक बाजार में बिकवाली के बाद घरेलू शेयर बाजार में भी कमजोर शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 340.89 अंकों की गिरावट के साथ 60,978.62 अंकों के लेवल पर कारोबार करता दिख रहा है। वही दूसरी ओर निफ्टी 92.20 अंक फिसलकर 17,983.65 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 8 पैसे कमजोर होकर 82.78 रुपए का लेवल पर कारोबार करता दिखा। अमरीका के ब्याज दर बढ़ने की आशंका से एशिया बाजारों में बड़ी कमजोरी आई है। भारतीय बाजार में आई फार्मा, PSU बैंकिंग सेक्टर के शेयर फिसले हैं। निफ्टी के टॉप लूजर शेयरों की लिस्ट में नेस्ले इंडिया का शेयर 3.5% गिरावट के साथ सबसे ऊपर है।
राजस्थान सरकार द्वारा छात्र प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रदेश की बेटियों को कृषि क्षेत्र की पढ़ाई के लिए अधिकतम 40,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है, जिसमें हर राज्य की सरकार भी सामने आकर बालिका कल्याण के लिए अपना योगदान दे रही है। इसी कड़ी में हाल ही में राजस्थान सरकार ने बालिकाओं की बेहतर शिक्षा के लिए अपने बजट सत्र 2023 के दौरान छात्र प्रोत्साहन योजना की राशि में इजाफा किया है। इस योजना के तहत कृषि में रुचि रखने वाले बालिकाओं को आगे की पढ़ाई के लिए अधिकतम 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देश और दुनिया में आए दिन नई तकनीकों का विकास होता रहता है। इन तकनीकों के विकास होने के बाद से हमारा काम दिन प्रतिदिन आसान हो रहा है। आजकल इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट यानी कि चैट जीपीटी की खूब चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार चैट जीपीटी द्वारा संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट पर काम कर रही है। इस व्हाट्सएप चैटबॉट की मदद से किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जान सकते हैं। बांका में रबी फसल के बाद वैसे किसान जो गर्म फसल के रूप में मूंग की खेती करना चाहते हैं, उन्हें सरकार मुफ्त में बीज उपलब्ध करा रही है। इसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद किसानों के फोन पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। इसके बाद अधिकृत बीज वितरक के पास से आप प्रखंड कृषि कार्यालय में बीज प्राप्त कर सकते हैं। मूंग का बीज लेने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों के 2,700 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें से 788 किसानों के आवेदन की जांच कर ली गई है। इन किसानों के आधार से लिंक मोबाइल फोन पर ओटीपी भेज दिया गया है। शेष किसानों के आवेदन की जांच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों के बढ़ने से डीएपी एवं अन्य खादों के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे सरकार को अब इन उत्पादों के लिए मूल्य नियंत्रित करने के लिए भारी सब्सिडी खर्च करनी पड़ रही है। इसके अलावा डीएपी एवं अन्य खादों के दाम बढ़ने से किसानों की लागत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार जल्द ही नैनो यूरिया की सफलता एवं इससे होने वाले लाभ को देखते हुए इसके तर्ज पर नैनो डीएपी बाजार में लाने वाली है, जो अभी मौजूद डीएपी की बोरी से आधी से भी कम कीमत पर मिलेगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नैनो यूरिया तरल और संयंत्रों का उद्घाटन करते समय नैनो डीएपी के बारे में जानकारी दी। आलू की खेती का रकबा और बंपर पैदावार होने से मंडियों में कीमतें रसातल को पहुंच गई है। आलू का मूल्य लागत से बहुत नीचे जा चुका है। फसल की खुदाई की बजाय खेत में छोड़ देने की नौबत तक आ गई है। इस बुरे दौर से गुजर रहे किसान के पास आलू किसान सुशील कटियान ने कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल के किसानों का हालत बहुत बुरा है। आलू किसानों को इससे उबरने के लिए सरकार को आगे आना होगा। आलू निर्यात से किसानों की इस गंभीर चुनौती से निपटा जा सकता है। आलू के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल की उपज के बाजार में उतरने के साथ ही पिछले एक सप्ताह में कीमतें न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। देशभर में हर रोज मौसम नए नए रंग दिखा रहा है। कभी गर्मी तो कभी सर्दी का दौर चल रहा है। आज एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पहाड़ी राज्यों में मौसम ने करवट बदल ली है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो मौसम में दिल्ली में एक बार फिर से सुबह से ही धुंध दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की माने तो आज शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री पहुंच सकता है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके बाद अगले सप्ताह से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश में आज शुक्रवार को कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। फिर मौसम विभाग की माने तो तापमान में बढ़ोतरी के बाद अब मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। वही राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, और इसके साथ ही यहाँ दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।